25 दिसंबर 2021, यह वो दिन था जब नासा ने यूनिवर्स और उसके भेदों को और भी बेहतर ढंग से समझने के लिए एक पावरफुल तथा हाईटेक टेलीस्कोप जिसका नाम जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप रखा गया था उसे स्पेस में सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इसके पहले भी नासा ने साल 1990 ईस्वी में हबल टेलीस्कोप को इसी उद्देश्य से भेजा था और हबल यूनिवर्स को समझने के इस उद्देश्य में काफी बेहतर भी साबित हुआ। हालांकि उसकी टेक्नोलॉजी जेम्स वेब टेलीस्कोप जितनी पावरफुल नहीं थी, इसलिए नासा ने जेम्स वेब को हबल का एज ए सक्सेसर लॉन्च किया है। जेम्स वेब की जो सबसे खास बात है वह है इसमें यूज की गई नीर कैम यानी नियर इंफ्रारेड कैमरा, जो ना कि सिर्फ विजिबल रेंज और अल्ट्रावायलेट रीजन की वेव को डिटेक्ट करके इमेज प्रोड्यूस करेगा, बल्कि यह सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट से आते इंफ्रारेड वेव को भी सेंस करके कॉस्मोस को और भी बेहतर ढंग से दुनिया के सामने पेश कर पाएगा। वेल, जेम्स वेब के लॉन्च के पीछे नासा का मेन मोटिव है बिग बैंग के तुरंत बाद फॉर्म हुए गैलेक्सीज का पता लगाना, ताकि उनकी स्टडी करके यूनिवर्स को और भी बेहतर ढंग से समझा जाए। इसके अलावा गैलेक्सीज, बर्थ ऑफ स्टार्स तथा दूसरे ऐसे 100 प्लैनेट्स को भी खंगालना जहां भविष्य में इंसानों के रहने के लिए उसे हैबिटेबल बनाया जा सके। आखिरकार जेम्स वेब से दुनिया जिस बात की आस लगाए बैठी थी वो दिन फाइनली आ चुका है। 12 जुलाई 2022 को प्रेसिडेंट जो बाइडेन की उपस्थिति में नासा ने जेम्स वेब के वेरी फर्स्ट इमेज को लॉन्च किया। ये इमेज है गैलेक्सी क्लस्टर वेब्स फर्स्ट डीप फील्ड की, जिसे स्मैक्स 0723 नाम दिया गया है। जेम्स वेब ने यह यूनिवर्स का अब तक का सबसे डीपेस्ट एंड शार्पेस्ट इंफ्रारेड इमेज को प्रोड्यूस किया है। इसमें जो आपको टिमटिमाती हुई चीज दिखाई दे रही है वो कोई स्टार्स नहीं, बल्कि थाउजेंड्स ऑफ गैलेक्सीज आपको एक साथ दिखाई दे रहे हैं। बट वेट, अगर आप ये सोच रहे हो कि ये इमेज मात्र एक क्लिक में तैयार हो गया होगा तो आप गलत सोच रहे हो। ऑल थैंक्स टू वेब्स नीर कैम, जिसने इस डीप फील्ड के डिफरेंट वेवलेंथ के कई पिक्चर लिए और बाद में सभी को सबमर्ज करके लगभग 12.5 घंटे बाद इस इमेज को प्रोड्यूस किया, जबकि इसी इमेज को कैप्चर करने में हबल को 23 दिनों का समय लग गया था। जैसा कि आप दोनों इमेज को अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, हबल के कंपैरिजन में जेम्स वेब ने इवन फार्दर गैलेक्सीज को भी बेहतर ढंग से फोकस में लाया है। स्मैक्स 0723 की इमेज जो आप देख रहे हो वह हमसे 4.6 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है, और इनमें से कुछ गैलेक्सी तो ऐसे हैं जिनका फॉर्मेशन बिग बैंग के जस्ट कुछ मिलियन साल बाद हुआ है। इसके अलावा इस इमेज में जो आप ब्लू ग्लिटरिंग गैलेक्सी देख रहे हो वह रेड ग्लिटरिंग गैलेक्सी की तुलना में नजदीक है, और ऐसा कलर डिफरेंस रेड शिफ्टिंग की वजह से होता है। रिसर्चर्स जल्द ही इसके मास, एज, हिस्ट्री, कंपोजिशन आदि पर स्टडी करना शुरू कर देंगे। नाउ, जेम्स वेब के द्वारा जो दूसरी भेजी गई इमेज है वो वाकई इंसानों के लिए एक नए हैबिटेबल प्लैनेट की खोज में अहम भूमिका रखता है। यह इमेज है 100 प्लैनेट वास्प 96b की स्पेक्ट्रम की, जो हमसे लगभग 1150 लाइट ईयर्स की दूरी पर है। वेल, स्पेक्ट्रम किसी प्लैनेट पर मौजूद मॉलिक्यूल्स को डिटेक्ट करके हमें यह बताता है कि वहां पर वाटर, ऑक्सीजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे लाइफ सपोर्टिव मॉलिक्यूल्स हैं या नहीं। और इस प्लैनेट 96b के स्पेक्ट्रम से हमें यह पता चलता है कि जेम्स वेब को इस 100 प्लैनेट पर क्लाउड एंड हेज के रूप में मौजूद वाटर के ट्रेसेस मिले हैं। हालांकि यह प्लैनेट एक गर्म गैसियस जाइंट है तो यहाँ जीवन होने की संभावना बहुत ही कम है, पर इससे हमें जेम्स वेब की हंड्रेड्स ऑफ लाइट ईयर्स दूर मौजूद प्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन को एनालाइज करने की एबिलिटी का पता चलता है, जो हम इंसानों के लिए एक नए हैबिटेबल प्लैनेट की खोज में बेहतर साबित हो सकता है। नाउ बात करते हैं जेम्स वेब के द्वारा भेजी गई थर्ड इमेज प्लैनेटरी नेबुला NCG 3132 की। यह इमेज भी वेब की दूसरी इमेज की तरह ही काफी फैसिनेटिंग है, जहां पर एक डाइंग स्टार को अपने चारों ओर अपना मास इजेक्टिंग करते हुए दिखाया गया है। यहां जो सेंटर में डिमिंग स्टार आप देख रहे हो यह अपने चारों ओर अपने मास को हजारों सालों से इजेक्ट कर रहा है, जैसा कि आप इसके चारों ओर गैस एंड डस्ट के रिंग को देख सकते हो। इस प्लैनेटरी नेबुला का नाम NCG 3132 है, जिसे सदर्न रिंग नेबुला भी कहा जाता है। यह हमारी पृथ्वी से लगभग 2500 लाइट ईयर्स की दूरी पर स्थित है और लगातार मास इजेक्ट करते हुए डेड होने की कगार पर है। रिसर्चर्स इन मरते हुए स्टार्स के गैस डस्ट को स्टडी करके इसकी कंपोजिशन को समझ के इन ऑब्जेक्ट्स के बारे में अपने नॉलेज को और भी आगे बढ़ा सकते हैं। नाउ नंबर 4 पर हमारे पास है जेम्स वेब की फोर्थ इमेज इंटरेक्टिंग गैलेक्सीज स्टीफन क्विंटेट की। यह 5 गैलेक्सीज का एक ग्रुप है। इस इमेज में बेसिकली यह दिखाया जा रहा है
कि किस प्रकार गैलेक्सीज आपस में इंटरेक्ट करके एक शॉक वेव फॉर्म करते हैं। यहाँ जो लेफ्ट मोस्ट गैलेक्सी आप देख रहे हो वह हमारी अर्थ से लगभग 40 मिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर है, वहीं बाकी की गैलेक्सीज 300 मिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर स्थित है। अकेले इस इमेज को बनाने के लिए जेम्स वेब को 1000 सेपरेट इमेज लेना पड़ा था, जिसे बाद में मर्ज करके इस इमेज को बनाया गया। वेब के द्वारा भेजे गए ये इन्फॉर्मेशन साइंटिस्ट को गैलेक्टिक इंटरेक्शन से होने वाले गैलेक्सी इवोल्यूशन को और भी बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। नंबर 5 पर जो हमारे पास जेम्स वेब के द्वारा भेजी गई आखिरी इमेज है वह है करीना नेबुला के स्टार फॉर्मिंग रीजन NCG 3324 की, जहाँ ये जो आप माउंटेन क्लिप्स देख रहे हो वह नेबुला के अंदर मौजूद गैसियस कैविटी की एज है, जिसमें जो टॉलेस्ट पीक है वह 7 लाइट ईयर्स यानी कि लगभग 66,225 करोड़ किलोमीटर हाई है, जिसमें आप स्टार फॉर्मिंग रीजन को साफ साफ देख सकते हो। यहाँ आप उन रीजन को भी बेहतर देख सकते हो जिसकी डिटेलिंग हवल के द्वारा भेजी गई इमेज में मिसिंग थी। नाउ फ्रेंड्स, वेब के द्वारा भेजी गई ये इमेजेस तो बस इसकी सफलता की पहली कदम है। आगे न जाने यह हमें बिग बैंग और यूनिवर्स के किन किन रहस्यों से रूबरू करवाए। वेल, इसका जवाब हमें जेम्स वेब टेलीस्कोप अपने आने वाले समय में दे ही देगा, जिससे वैज्ञानिक हमारे यूनिवर्स को और भी बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। नाउ फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक जरूर करना, और अगर पहली बार आए हो तो मिस्टिकल साइंस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलते हैं आपसे। जय हिंद।